कार्तिक, अच्छा नहीं लगा? बहुत सुंदर है, पर वाइट। इस एक वाइट में सातों रंग का रिफ्लेक्शन होता है। इस पर हम जो चाहे वो रंग चढ़ा सकते हैं। मतलब दुख, डर और शर्म सब पे एक नया रंग चढ़ा दे। खुशी का, हिम्मत का, एक नई शुरुआत का। नई शुरुआत तो मैं भी करना चाहती हूँ कार्तिक, पर नहीं, इसमें कोई इफ और कोई बट नहीं। सही कहा तुमने, जब तुम साथ हो तो इफ और बट का क्या मतलब। पलकों के सिरहाने तेरा ही ख्वाब है, होठों के किनारे तेरी मेरी बात है, दिल की इस जमीन पे तूने रखे पाँव है, हमको मिल गई जो इश्क की छाँव है। अब तो एक है सफर, है बस एक रास्ता, दोनों की एक ही खुशी है साथिया। पूरे बदन पे तेरा नाम चल रहा है, देखो ना प्यार 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 लिख रहा, ये वो खुशी है जो ये दिल ही जानता है। सांसों से इन धड़कनों तक, पलकों कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। फ्रूट की छोड़ो, अपनी बताओ, तुम्हें ठीक लग रहा है कि नहीं? गुड, अब टेंशन कम हुआ मेरा। टेंशन? तुम्हें किस बात का टेंशन था? बस था कुछ, पर अब नहीं। तुम ठीक हो, लव कुश ठीक है, अब सब सही है। लव कुश का जो वो पाउडर सुन के खांसी हुई थी, उस वजह से? हाँ, जब तक पता नहीं चलता कि उसमें था क्या, तब तक तो दिमाग कुछ भी सोचता है। कार्तिक, तुम भी ना छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हो। प्यार करता हूँ इसलिए, किसी अपने को जरा सा भी कुछ हो जाए ना, टॉलरेट ही नहीं कर पाता मैं। आई नो, सब इतनी मुश्किल से मिले हैं हमें, अगर कोई थोड़ा भी परेशान हो जाता है ना, तो अपना मन परेशान हो जाता है। अरे सब इतनी मुश्किल से नहीं मिले, मैं तो बड़ी आसानी से मिल गया था तुम्हें। अच्छा, आसानी से तो मैं मिली थी तुम्हें, इसलिए वैल्यू नहीं करते। अपना दिल जान सब कुछ तुम्हारे नाम कर रखा, और कितना वैल्यू करूँ तुम्हें? हाँ, तो कुछ मुफ्त में तो नहीं किया ना, मेरा दिल और मेरी जान भी तो अपने पास रखी है। बचपन में कहानी सुनी थी, राजा की जान तोते में, हमारा भी वही हाल है, हमारी जान अपने घर वालों में अटकी हुई है। हाँ कार्तिक, हमें कुछ भी हो जाए चलता है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। फिर भी हो तो रहा ही ना, पहले शुभम के साथ, फिर कीर्ति, फिर तुम। कार्तिक, मैंने और कीर्ति दी ने तो फिर भी अपने आप को संभाल लिया है, पर शुभम नहीं संभला है अभी तक। उसके लिए वाकई बहुत बुरा लगता है मुझे। लाइफ ने फेयर गेम नहीं खेला उसके साथ। पहले इतने साल फैमिली से दूर रहा, फिर सुहाना का धोखा, और बस और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए उसकी लाइफ में। नहीं होगी, हम है ना उसके साथ, हम नहीं होने देंगे। अच्छा सुनो, कुछ सोचा तुमने? कौन से कॉलेज में एडमिशन लोगी, क्या पढ़ोगी? अब नहीं। तो सोचो ना, कब सोचोगी? बाद में, अभी मुझे लव कुश को पढ़ाना है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, अब जो हम पढ़ाई करने बैठे हैं ना, तो उठेंगे नहीं बार बार, कोई बहाना नहीं चलेगा। नो खाना, नो भूख, नो सूसू, नो प्यास। ओके, अब हम सिंसियरली पढ़ाई करें। ओके। 18+36 जो रूल बच्चों के लिए है वो टीचर के लिए भी है। नो बहाना, ओके? हाँ, पर ऐसे थोड़ी ना कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो मुहूर्त निकलवाऊं? नहीं, मेरा मतलब है कौन सा सब्जेक्ट। अब देखो, मैंने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। कार्तिक, मुझे कुछ ऐसा पढ़ना है जो मेरे काम आए, जैसे अकेडमी में या फिर मैनेजमेंट। यस, मैनेजमेंट पढ़ेंगे हम। कार्तिक, मुझे ना किचन में कुछ काम था। कोई काम नहीं, पढ़ाई करो, पढ़ाई। उठो, पढ़ाई करो, और तुम दोनों भी। बस ना, अब और नहीं पढ़ना। पढ़ लो, मेरे ऐसा टीचर बार बार नहीं मिलता। बहुत अमेजिंग टीचर हो, मैं देख लेना तुम। और वैसे भी कौन सा हमेशा पढ़ाने वाला हूँ। अब पढ़ा रहा हूँ तो फायदा उठा लो, फिर तो तुम अकेले पढ़ोगी और मुझे बहुत मिस करोगी। क्या है, बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? प्लीज इस सेंटी बातें मत करो। जब पढ़ना होगा मैं पढ़ लूंगी। अरे सुनो ना, जल्दी से सब्जेक्ट खत्म करो, फिर हम दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर सके। कौन सा सब्जेक्ट? मैनेजमेंट के बाद मैरिजमेंट। अपनी शादी को हमेशा एवरग्रीन और रोमांटिक कैसे रखे वो सीखेंगे। तो पहले वही पढ़ा दो ना। तौबा तौबा तौबा, आजकल की लड़कियां बेशर्म नंबर 1। प्रोफेसर साहब, आज ना मेरा इन बोरिंग सब्जेक्ट में मन नहीं लगेगा। हम कल से शुरू करते हैं। क्यों ना आज से शुरू करें, आज, कल नहीं। एक सेकेंड। हेलो, हाँ चाचू, मीटिंग कैसी रही आपकी? हाँ, उन्होंने बताया था मुझे। ठीक है जी चाचू। हाँ, तो हम कहाँ थे? वो तीनों गायब। अभी लव कुश को लेक्चर दे रही थी और सेम हरकत। ऐसे तो हो गई पढ़ाई। जैसे पढ़ाई करना जितना बोरिंग है, पढ़ाना उतना ही मजेदार। अब से तो रोज नायरा को पढ़ाऊंगा, ऐसे डांटूंगा, रोब जमाऊंगा अपना। अगर ये खेल नहीं है तो मैं रिंग मास्टर। नायरा, क्या वो कोई और बात है क्या? ये देखो, हमने टाइम पे फॉर्म भरा था पर सीट फुल हो गई, एडमिशन नहीं मिला। मैंने कितनी मुश्किल से खुद को समझाया था, खुद को कन्विंस किया था कि अब कोई बहाना नहीं बनाऊंगी, पर एडमिशन नहीं मिला। और तो मीटिंग लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। तो क्या हो गया, हम कर लेंगे ना कुछ। और अगर ये साल नहीं हुआ तो अगले साल एडमिशन ले लेंगे। ये साल मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। उससे क्या होगा? जो तुम चाहो वो होगा। तुम्हें पता नहीं है, बहुत अच्छा टीचर हूँ मैं। बताओ क्या सब्जेक्ट पढ़ना है तुम्हें? बिजनेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, एनीथिंग यू वांट। नहीं, मुझे तुमसे नहीं पढ़ना, क्योंकि मुझे पता है हम पढ़ेंगे कम और लड़ेंगे ज्यादा। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक स्टूडेंट को कोई हक नहीं है टीचर से लड़ने का, लेकिन एक टीचर को पूरा हक है स्टूडेंट को पनिश करने का। तो अगर तुमने होमवर्क नहीं किया या तुम क्लास में कोई मस्ती कर रही हो तो मैं चौक फेंक कर मारूंगा, टपाक। अच्छा, और फिर अगर मुझे गुस्सा आया और जब तुम बोर्ड की तरफ टर्न हुए तो फिर से मैं चौक घुमा के मारूंगा तुम्हें, टपाक। अच्छा, और फिर जो मैं डांट लगाऊंगा वो? हाँ, मैं सुन लूंगी, क्लास से बाहर निकाल दूंगा। निकाल देना, मैं तो बड़ी खुशी खुशी जाऊंगी और फिर जाके सीधा कैंटीन में बैठ जाऊंगी और भुट्टा खाऊंगी। किसके साथ? मैं किसी के भी साथ खाऊंगी। भून दूंगा मैं जिसके भी साथ खा रही होगी। फिलहाल तो मुझे जलने भूलने की बताओ ना। जलने भूलने। अच्छा ठीक है, पढ़ लूंगी तुमसे। मन लगा कर पढ़ना। हाँ कार्तिक जी। बाबा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।